Hey everyone, welcome to Mentometer by Kalpana Singh. And yesterday I have uploaded a lecture, but पूरी मेहनत खराब हो गई है बिकॉज उसमें बाद में साउंड नहीं आ रही है. मैंने बाद में चेक किया, आई वॉज थिंकिंग कि साउंड आ रही होगी. सो फिर से ठीक है, स्टार्ट करते हैं ये वाला चैप्टर, एक बार ठीक से डिस्कस करते हैं. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू वेरी हैप्पी टीचर्स डे टू एवरी वन. आपने जिससे भी सीखा हो एटलीस्ट एक ग्रेटिट्यूड, एक रेस्पेक्ट आप दो अपने टीचर्स को जिनसे भी आप सीख रहे हो. सो लेट्स कम टू द पॉइंट. पार्लियामेंट, सबसे पहले अगर बात करते हैं, पार्लियामेंट के तीन पार्ट्स होते हैं. सो ये मैंने ऑलरेडी आपको, सो गाइज लास्ट की जो वीडियो थी पार्ट वन, उसमें 13 मिनट्स तक साउंड आ रही है. ठीक है, सो 13 मिनट्स तक का वीडियो आप वहां से देख लेना, क्योंकि वीडियो ये भी लंबे करने से कोई फायदा नहीं है. और जो भी कॉन्सेप्ट है मैंने ऑलरेडी उसमें समझा दिया है, सो आप एक बार उसमें चेक कर लेना अच्छे से. और बाकी जो है मैं यहाँ पे कवर करती हूँ. सो लास्ट वाले जो, जहाँ छोड़ा था, जहाँ से आवाज़ नहीं आ रही है, वहाँ पे ये वाला डिस्कशन कर रहे थे. ठीक है, तो मैं फटाफट से आपको एक बार रिव्यू करा देती हूँ, आप उसको एक बार देख लेना उस वाली लेक्चर को. तो पार्ट टू करके मैं इसमें डाल दूंगी. तो एक काम करते हैं, 20-20 मिनट्स का ही रखते हैं जो लेक्चर है, बिकॉज उससे क्या होगा ना कि आप इजीली देख पाओगे. कभी पता भी नहीं चलता ना कि पूरी मेहनत भी खराब हो जाती है. 1 घंटे का लेक्चर है. आई वॉज थिंकिंग कि पार्लियामेंट का पोर्शन जो है काफ़ी बड़ा है, सो मतलब जनरली 3-4 घंटे में ख़त्म होता है. बट आई एम ट्राइंग के 3-4 घंटे का एक क्लास होता है, तो 3-4 क्लासेस में ख़त्म होता है. बट आई एम जस्ट मिनिमाइजिंग द टाइम कि ये जितना जल्दी हो सके हमें रिवाइज करके फिर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे. सो आर्टिकल 80 बात करता है राज्यसभा के लिए, और आर्टिकल 171 बात करता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, विधान परिषद के लिए. ठीक है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैंने ऑलरेडी टिक मार्क किया हुआ है, सो कंसिडर दोज एंड मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट. 6 साल का टेन्योर होता है राज्यसभा का, और जो मेंबर्स आते हैं मिनिमम एज उनकी 30 साल होती है. अगर बात करेंगे इसके टर्म की, इनफाइन इनडेफिनिट होता है क्योंकि ये डिसॉल्व नहीं किया जा सकता. दिस इज अ परमानेंट हाउस. अपार्ट फ्रॉम दिस, फॉर्मेशन ऑफ राज्यसभा 1952 में हुआ था, एंड स्टेट रिप्रेजेंटेटिव सिट्स हियर एंड वी कॉल इट एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. जो मेंबर्स बैठते हैं उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है. अर्लियर इट वॉज नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स, एंड उसके बाद 1954 में राज्यसभा बोला गया था इसको. एज लिमिट मैंने बता दी 30 ईयर्स, एंड टाइम पीरियड 6 ईयर्स है वैसे इसका, जो मेंबर्स का टाइम पीरियड है, क्योंकि ये अनडिजॉल्वेबल हाउस है. मैक्सिमम जो मेंबर्स हैं 250 है, बट अभी के टाइम पे 245 मेंबर्स हैं, जिसमें से 12 जो हैं नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, और 229 हैं वो इलेक्टेड होते हैं. 4 यूनियन टेरिटरी से आते हैं. राज्यसभा के अगर मेंबर की बात करें, अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट फ्रॉम विधानसभा, विधानसभा से इनका अपॉइंटमेंट होता है. एंड 1/3 मेंबर्स वैकेट देयर सीट्स एवरी सेकेंड ईयर, एंड सेम नंबर ऑफ वैकेंसीज फिल्ड बाय न्यू मेंबर्स. चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की अगर बात करें, फ्रॉम ऑपोजिशन पार्टी एंड स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा टू क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज, IAS, IPS, IFS, तो ये क्रिएट की जाती है. ये राज्यसभा की स्पेशल पावर है टू क्रिएट स्टेट लिस्ट अपॉइंटेड बाई प्रेजिडेंट अंडर आर्टिकल 249. जो भी स्टेट लिस्ट है वो आर्टिकल 249 के अंडर आती है. अब स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की अगर बात करते हैं, वी कॉल देम MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता है उनको. और ये जो आता है स्टार्टिंग में, अगर फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो 1953 चार्टर एक्ट के थ्रू इसको लेके आया गया था. आर्टिकल 168 बात करता है बाइकैमरलिज्म, कम्स अंडर दिस आर्टिकल एंड इट इज स्टार्टेड फ्रॉम 1919. जो बाइकैमरलिज्म आया था वो 1919 से स्टार्ट हुआ था. अब स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं. इसमें मेनली जो है, अभी जम्मू कश्मीर जो है डिस्प्यूटेड है, बट उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, सो ये जो है इम्पोर्टेंट है. लेट मी जस्ट गिव मी अ ब्रीफ थिंग.
तो जम्मू कश्मीर से 2019 में अबॉलिश कर दिया गया था, जब आर्टिकल 370 वहाँ से हटाया गया था। तो ये जो है अभी 6 स्टेट्स में है जम्मू कश्मीर को, आप यहाँ से हटा सकते हो, ठीक है, हटा देना आप इसको यहाँ से। तो क्योंकि मेरे पुराने नोट्स है तो मैं बाद में हटा लूंगी, बट आप इसको हटा देना। आर्टिकल 169 टॉक्स अबाउट अंडर, जिसमें उसके द्वारा आर्टिकल 169 में मेंशन किया गया है कि आप किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल को लाने के लिए या फिर उसको हटाने के लिए बात कर सकते हो। विधानसभा विल पास इट विद द स्पेशल मेजोरिटी एंड राज्यसभा विल पास इट विद द सिंपल मेजोरिटी, जिसमें 2/3 प्रेजेंट एंड वोट होता है। तो स्पेशल मेजोरिटी में 2/3 एंड वोट होता है, सिंपल मेजोरिटी में प्रेजेंट एंड वोट होता है। फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को या गठित करने में दोनों किया जा सकता है और समाप्त भी किया जा सकता है, बट ये भी परमानेंट हाउस है स्टेट के लिए, इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। अब यहाँ मैंने थोड़ा फेयर तरीके से लिखा हुआ है, तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, आई मीन ये सेम ही पेज है, सॉरी। तो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं, तो लोकसभा जो है लोअर हाउस है सेंटर के लिए, एंड अगर बात करते हैं SLA तो ये है स्टेट के लिए लोअर हाउस, इसमें बाइकैमरलिज्म है। अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें, लोअर हाउस जो है अंडर आर्टिकल 81 के थ्रू आता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही बोला जाता है इनके मेंबर्स को भी, एंड फर्स्ट इलेक्शन हेल्ड ऑन 1951, फॉर्मेशन हुआ था 1952 में, एंड मेंबर इलेक्टेड बाय जो मेंबर इलेक्टेड होते हैं वो पीपल सिट्स हियर ओनली, तो उनको बोला जाता है पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। 1950 में आपने इसको देखा होगा कि पहले इसको बोला जाता था हाउस ऑफ पीपल, बट अभी क्या बोला जाता है, अभी बोला जाता है लोकसभा। 1950 में पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट आया था, जिसमें वोटर आईडी फॉर्मेशन के लिए, और इसको 1954 में लोकसभा का नाम दिया गया था हिंदी में, फॉर्मेशन ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 डायर की सेंटर में आई थी, एंड स्ट्रॉन्ग फेडरेशन ऑफ सेंटर एस्टेब्लिश हुआ था। अब 1950 में 21 ईयर का होता था जब वोट देने का जो एलिजिबिलिटी थी, बट उसके बाद 61st या 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, जिसमें जो एज थी वो 21 साल से घटा के 18 साल कर दी थी। अब लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं, ठीक है। सो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं यहाँ पे, जो कैंडिडेट्स हार गए होते हैं वो राज्यसभा का मेंबर बन सकता है। आर्टिकल 170 टॉक्स अबाउट राज्यसभा जो है, टॉक्स अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो आर्टिकल 170 बात करता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 से बाइकैमरलिज्म आया था। सो इनसाइड द पार्लियामेंट कुछ चीजें फैक्ट्स हैं जो कि मैंने पिक्चराइजेशन के थ्रू यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, जो कि इम्पोर्टेंट, आई थिंक यू शुड नो दैट। तो आपने देखा होगा कि 12th of February 1921 में फर्स्ट फाउंडेशन स्टोन वॉज लेड एज अर्ली एज जो भी 12 फरवरी को 1921 में इसका एस्टेब्लिशमेंट था पार्लियामेंट का, ठीक है। उसके बाद द सेंट्रल हॉल, इस बिल्डिंग की बात कर रही हूँ मैं, तो होम टू इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट लाइब्रेरी, इसमें सेकेंड लार्जेस्ट लाइब्रेरी भी कहा जाता है इंडिया की, और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन रखा गया है नाइट्रोजन चैम्बर में, जिससे कि जो इंक लिखी गई है वो इंक से लिखा गया है, तो वो हैंड रिटन है बिकॉज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो वो अभी तक फैली नहीं है, बिल्कुल एज इट इज ओरिजिनल है वो। तो सेंट्रल हॉल इंडियाज ऑफिशियली गेन्ड इंडिपेंडेंस हियर, एंड द सर्कुलर जो इसका डिजाइन है दैट इज द हॉर्स शू शेप्ड, तो ये हॉर्स शू शेप्ड है, एंड रूम नंबर जो है 13, नॉट सो लकी फॉर प्रणब मुखर्जी, उनके लिए अनलकी नहीं था ये, एंड ओनली टू सर्वाइविंग MPs फ्रॉम द फर्स्ट लोकसभा सेशंस, रहमा रेशम लाल एंड रिशांत के सिंह। तो अगर आप मील की बात करोगे, सोचो मील कितना सस्ता है वहाँ पे, हम सोचते हैं कहीं भी जाते हैं तो नॉर्मल खाना ही कितना महंगा पड़ जाता है, बट अगर हम बात करते हैं वहाँ पे पार्लियामेंट की,
12 रुपए की थाली मिल जाती है वहाँ पे। इंडियन पार्लियामेंट जो भी कैंटीन है, इट इज हीप्ड, जो भी पूरा प्लेट, एक फुल प्लेट राइस मिलता है 2 रुपए में, एक कटोरी दाल मिलती है 1.5 रुपए में, और चाय मिलती है सिर्फ 1 रुपए में, और वेजिटेरियन थाली मिलती है 12 रुपए में। तो ये जो है वहाँ का मील का सिस्टम है। तो ये चीज़ें जस्ट एक जनरल नॉलेज के लिए कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में तीन बॉडीज़ हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तीन बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशन की। अब लेजिस्लेटिव, प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट, ये तीनों एक ही, आई मीन प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का ही पार्ट है। तो क्योंकि लेजिस्लेटिव से ही एग्जीक्यूटिव का फॉर्मेशन होता है, प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट, इसी पूरे सिस्टम, पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम का पार्ट है, और पार्लियामेंट जो राज्यसभा और लोकसभा से मिलके बनी है। एग्जीक्यूटिव आप जानते ही हो, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। उसके अलावा जुडिशरी में अपर मोस्ट जो कोर्ट होता है वो सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद सेकंड वन है हाई कोर्ट, एंड देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है। ठीक है, अब पार्लियामेंट के जो सेशंस हैं इसका मैं जस्ट एक ओवरव्यू आपको दे देती हूँ, बट डिटेल में अभी आगे बात करेंगे। 11 बजे से 12 बजे तक होता है क्वेश्चन आवर। ठीक है, उसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उसके बाद जो भी रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन, और उसके बाद 0 आवर आता है रिप्रेजेंटेशन बाय द पीपल, जो भी पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स विल टॉक अबाउट दिस, के एक सेशन चलता है, उसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं। उसके बाद लंच ब्रेक होता है, तो 1 से 2 बजे तक लंच ब्रेक होता है, एंड आफ्टर दैट जो भी प्रोसीडिंग चल रही होती है 0 आवर की, टिल एजेंडा ऑफ द डे, जब तक एजेंडा खत्म नहीं होता, तो 0 आवर खत्म नहीं होता है, इट इज टिल एजेंडा ऑफ द डे। तो अगर टाइम टाइम फ्रेम आपसे पूछा जाए तो आपको ये नहीं बताना है कि ये 6 बजे खत्म हो जाता है, बिकॉज इट इज, अगर ऑप्शन में है कि टिल एजेंडा ऑफ द डे मेंशन है ऑप्शन में, तो आपको टिल एजेंडा ऑफ द डे मेंशन करना है। तो ये ध्यान रखिएगा, वन डे में ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी, और जो वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं आरओ वगैरह के लिए, तो वो आपको ये ध्यान रखना है। इसीलिए मैंने ये जो नोट्स हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन किए हैं कि वन लाइनर जो भी एग्जाम्स हैं, जो स्टार्टिंग के मैं एक लेक्चर लेती हूँ प्री के लिए, यूपीएससी प्री के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस के लिए या स्टेट पीसीएस, जितने भी सारे एग्जाम्स हैं, उसके अलावा वन लाइनर जो क्वेश्चंस है, जैसे आरओ में आते हैं, आरओ में ज़्यादातर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, एसएससी में, सीजीएल में, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो जिसमें जीएस आती है, ये जो क्लासेस हैं, जो भी देख रहे हैं बिना स्किप करे क्लासेस देखिएगा। मैं श्योरिटी लेती हूँ कि पॉलिटी में आपको जो भी मटेरियल है बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से मैंने अपने लिए भी रेडी किया था, एंड दैट इज व्हाई आई एम डिलीवरिंग इट, आई एम हैविंग दैट कॉन्फिडेंस ऑन मी, एंड दैट्स व्हाई, बिकॉज जब भी आप, बिकॉज टीचर्स डे के दिन ही ये चीज़ मैं बोल रही हूँ कि कोई भी टीचर होता है, आप मुझे एज अ टीचर मत मानो, एज अ गाइड मान लो, एज अ सिस्टर मान सकते हो, एज अ मेंटोर मान सकते हो, कि जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ तो वो एक अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही बता रही हूँ। सो इसके अलावा ये स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करते हैं, तो कुछ फैक्ट्स है। 171 बात करता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की, इट इज़ अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, और ये नोट्स आपको ऐसे ही बनाने हैं तो आपको पता चलेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लक्ष्मीकांत ने आपको लाइन पॉइंटर्स में नहीं दिए होते, और जब हमें रिविजन करना होता है तो हमें पॉइंटर्स में चाहिए होता है। आई नो, बिकॉज जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स सेल कर रहे हैं कोर्स को, तो ऑफ कोर्स वो यूट्यूब में आपको वो चीज़ अवेलेबिलिटी नहीं होगी। मेरा मोटिव ये नहीं है, आई जस्ट वांटेड टू डिलीवर द कंटेंट, कि जो भी अगर लेक्चर देख रहा है, टाइम अपना जो इन्वेस्ट कर रहा है लेक्चर देखने में, तो उसको प्रॉपर अच्छे से अपना उसका टाइम का यूटिलाइजेशन हो सके। तो जब आप ये लेक्चर देखोगे उसके बाद आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे, तो मैं श्योरिटी लेती हूँ इस बात की कि आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में मैक्सिमम जो मेंबर्स आते हैं, 1/3 मेंबर आते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से, यानी कि 40 के लगभग मेंबर्स। सो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो सेकंड मेंबर्स की जो कैटेगरी है उसमें आते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से या पैनल से, तो ये लोकल एरिया से जो लोग आते हैं वो उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए होता है,
उसके बाद आता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, एंड उनका 1/3 रिप्रेजेंटेशन होता है, 1/12 रिप्रेजेंटेशन होता है टीचर्स का, एमिनेंट टीचर्स जिनका एटलीस्ट 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो एक पर्टिकुलर किसी सेगमेंट में, 1/12 ग्रेजुएट्स, 3 ईयर्स का कंसिस्टेंसी, एंड 1/6 होता है जो कि गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। आर्टिकल 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो एंग्लो इंडियन की जो पोस्ट होती थी, दो एंग्लो इंडियंस की, वो खत्म कर दी गई है। ये आपको याद रखना है, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है ना, वो आपको जो रिसेंट की एटलीस्ट 10 तो याद होने चाहिए, और जैसे लैंडमार्क 42 एंड 71, 61, ये सारे जो हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, तो वो याद रखने कि अमेंडमेंट्स किसके थ्रू हुआ और कौन से आर्टिकल में अमेंडमेंट हुआ था। तो एंग्लो इंडियन की पोस्ट रिमूव कर दी गई, टेन्योर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इट इज इनडेफिनिट, ये भी इनडेफिनिट होता है और ये डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। जो मेंबर्स का टेन्योर होता है इसमें भी 6 ईयर्स का होता है, एंड SLC इज परमानेंट हाउस, इट कांट बी डिसॉल्व, 1/3 मेंबर वैकेट दियर सीट्स, जैसे कि राज्यसभा में होता था, सिमिलरली ये चीज सेम यहाँ पे, इसीलिए मैंने स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो विधान परिषद है मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि एटलीस्ट आप कंपैरिजन करके याद कर पाओगे। अब जो है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल से ये जो चार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेट मी शो यू बाय द पेंसिल, जस्ट गिव मी अ मिनट, या सो दिस इज द पेंसिल सो व्हिच आई एम यूजिंग। तो ये जो है 1/3 जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो तो मैंने स्टार्टिंग में पॉइंटर बताया। तो जो ग्रेजुएट्स होते हैं 3 ईयर्स स्टैंडिंग एंड रिजाइडिंग विद इन द स्टेट, 3 साल से उस स्टेट में रहे हों, वो कहीं बाहर रिजाइड ना किया हो उन्होंने कंटिन्यूसली, उसके अलावा लोकल बॉडी से म्यूनसिपैलिटी से 1/3 मेंबर आते हैं, उसके अलावा 1/3 मेंबर जो आते हैं द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट फ्रॉम अमंग द पर्सन्स हु आर नॉट मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर नहीं होने चाहिए, वो यहाँ पे आते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करेंगे 1/12 जो होते हैं टीचर्स ऑफ द 3 ईयर्स स्टैंडिंग इन द स्टेट नॉट लोअर इन द स्टैंडर्ड्स, जो हाई जो सेकेंडरी स्कूल से कम नहीं होना चाहिए उन टीचर्स का लेवल जो पढ़ा रहे होते हैं, तो ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये आपको याद रखना है कि पूछा जा सकता है कि कौन कौन इसमें आते हैं मेंबर्स। अब बात करते हैं आर्टिकल 71 लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में बात कर रहे हैं, प्रोवाइड ऑप्शंस फॉर अ स्टेट टू हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल, कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए डिमांड की जा सकती है और वो रख सकते हैं। अब आर्टिकल 169 बात करते हैं, प्रोसीजर फॉर इट्स फॉर्मेशन इज गिवन इन आर्टिकल 169 की, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल आई मीन लेजिस्लेटिव काउंसिल का फॉर्मेशन किया जाएगा। द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट नीड टू पास अ रिजोल्यूशन बाय अ मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द असेंबली एंड बाय अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द असेंबली प्रेजेंट एंड वोट। तो पार्लियामेंट कैन देन पास अ लॉ टू दिस इफेक्ट, क्योंकि ये फिर पार्लियामेंट इससे पास करता है। तो अभी के लिए जो है जम्मू कश्मीर को यहाँ पे कट कर दिया है, तो यहाँ पे मैं भी कट कर देती हूँ, और बाकी 6 स्टेट्स में है, ये आपको याद रखना है, ये पूछ लिया जाता है। मध्य प्रदेश में उड़ीसा बोल रहा है कि हमें भी लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए, और राजस्थान के लिए और आसाम के लिए जो है पार्लियामेंट में जो डिसीजन है भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, और यहाँ पे जो है जो 1/6 मेंबर्स है नॉमिनेटेड, सो ये अमंगेस्ट पर्सन हु हैव अ स्पेशल नॉलेज, ये जो है एबोलिशन, अगर ये 2 मेंबर्स का होगा तो ये रिपील हो गया है, आई मीन अबॉलिश कर दिया है। अब आर्ग्यूमेंट आता है कि फेवर में जो सीधा आर्ग्यूमेंट है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को फॉर्मेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, तो सबसे पहली बात तो है कि लोकल एरिया से लोग आ रहे हैं, जैसे म्यूनसिपैलिटीज है, एथनिक ग्रुप्स हैं, वो अपना रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, अगर उनको अपनी बात कहनी है तो हाँ कोई एटलीस्ट कोई होगा उनको जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में उनकी बात रखने के लिए। दूसरी चीज होती है प्रोवाइड्स अ फोरम फॉर एकेडमिशियंस एंड इंटेलेक्चुअल्स हु आर आर्ग्यूएबली नॉट सूटेड फॉर द रफ एंड ट्रम्बल टू इलेक्ट पॉलिटिक्स, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते, जरूरी नहीं है ना कि सबके दिमाग में इतनी पॉलिटिक्स पॉलिटी आए या पॉलिटिक्स आए, जो कि ये
राजनीति कहते हैं जिसको, तो राजनीति आए, इसीलिए ये रिप्रेजेंटेशन अच्छा भी बोला जाता है। इट कैन चेक द हेस्टी एक्शंस, क्योंकि यहाँ पे एक होता है ना कि वॉच डॉग की तरह काम कर रहे हैं कि जो भी अगर डिसीजन गलत है, अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल ले रही है, तो एटलीस्ट हाँ रेज किया जा सकता है इन मेंबर्स के द्वारा। अब आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट, इसके आर्ग्यूमेंट आते हैं कि अननेसेसरी डिले, अगर इन्होंने कोई भी कंसेंट है वो रोक लिया है तो अननेसेसरी डिले हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा एक्सचेकर एक्सपेंडिचर एंड सर्व एज लग्जरी फॉर डिफीटेड कैंडिडेट्स ऑफ द रूलिंग पार्टी, तो रूलिंग पार्टी के जो डिफीटेड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक लग्जरी क्रिएट करना, क्योंकि वो लोग जो हार जाते हैं वो आते हैं इसमें। वाई शुड ग्रेजुएट्स आर प्रिविलेज्ड एज पीपल्स रिप्रेजेंटेशन इन डेमोक्रेसी, तो इनको ग्रेजुएट्स को भी क्यों प्रिविलेज दिया जा रहा है इसमें जो रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो ये किसका आर्ग्यूमेंट था। अब बात करते हैं, आई थिंक 20 मिनट्स का हो गया है, काम करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं पार्ट जो इसका थर्ड होगा, क्योंकि सेकंड पार्ट आपको 13 मिनट्स पार्ट वन देखना है, ये पार्ट सेकंड है, और फिर पार्ट थर्ड में छोटी छोटी वीडियो बनाना आई थिंक ज़्यादा कन्वीनियंट लग रहा है मुझे भी, कि आप लोगों को ईजी होगा देखना। सो अभी ये वाला लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं, नेक्स्ट में हम राज्यसभा करेंगे, ठीक है। राज्यसभा के बारे में हम डिटेल में जो नोट्स हैं नोट मेकिंग कर लेना आप, ठीक है। तो ये आई थिंक ये वाला चैप्टर आपको बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा, सो अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हो आप, अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं, आपको नोट्स ठीक लग रहे हैं, तो एटलीस्ट ये है कि बिकॉज वी आर बिल्डिंग अ नेशन जहाँ पे बहुत ही जो कॉस्टली कोचिंग्स हैं, कोचिंग फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराने, क्योंकि ऑलरेडी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इतना ज़्यादा फी ले रहे हैं, उसके बाद कोचिंग करना किसी भी एग्जाम के लिए, तो वो काफ़ी टफ हो जाता है। तो दिस इज़ जस्ट ओनली एक मेरी तरफ से इनिशिएटिव है, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसको पूरा कर सकूँ। तो पॉलिटी की प्लेलिस्ट ऑलरेडी रेडी हो गई है, 40 लेक्चर्स उसमें पड़े हुए, 42 लेक्चर्स हो गए हैं उसमें, तो वो आप देखो, आपकी पॉलिटी का पूरा जो लक्ष्मीकांत है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, इस बात की मैं गारंटी दे रही हूँ आपको। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।